नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज चैनल। आज हमारे साथ अनिश्चितकालीन धरना है जंतर मंतर पर। हमारे साथ अशोक भारती जी भी हैं। अशोक जी, क्या है इस धरने की रूपरेखा, वो बताएं। देखिए, आपको जैसा पता है कि 21 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान पे संत समाज के नेतृत्व में बड़ा एक लाखों लोगों का जो रोष प्रदर्शन किया गया था और उसमें सरकार से ये मांग की गई थी कि तुगलकाबाद का जो गुरु रविदास का आश्रम और मंदिर तोड़ा गया है उसको उसी की जगह पे सरकार पुनर्निर्माण कराए। उसको लेकर करीब 100 के करीब हमारे नौजवान साथी उस दिन गिरफ्तार भी हुए। तो ये धरना इस बात को लेके है कि सरकार को ये बात समझ में आए कि जो संत समाज के नेतृत्व में ये अनिश्चितकालीन धरना इस बात के लिए है कि जब तक मूल स्थान पर संत रविदास जी का मंदिर और आश्रम नहीं बन जाता है ये धरना जारी रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो भी हमारे नौजवान साथी आंदोलनकारी गुरु भक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए, उनसे सारे मुकदमे वापस होने चाहिए, इस बात को लेकर है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से इस मामले पर कार्रवाई करे। हमारा मानना ये कि आज हमने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है, लेकिन ये कार्यक्रम अगर सरकार हमारी बात जल्दी से नहीं मानती है तो ये कार्यक्रम और विस्तारित तरीके से किया जाएगा। हो सकता है कि आगे आके हमको देशव्यापी प्रदर्शन करना पड़े, देशव्यापी धरना देना पड़े और बाकी कानूनी प्रक्रियाएं तो हम चला ही रहे जी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जबकि 19 तारीख को इतना बड़े स्केल पे धरना हुआ था और प्रदर्शन हुआ था, 21 तारीख को पूरा देश से सभी लोग आए हुए थे, इसमें SC ST OBC सभी लोग आए हुए थे, माइनॉरिटी वगैरह सभी लोग आए हुए थे, उसके बावजूद भी सरकार का क्या रवैया है वो बताएं। देखिए, अभी तक जो है लगता है सरकार जो है पशुपेश में है जी। पशुपेश में इसलिए है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में उसने हमारे केस को सही तरह से रिप्रेजेंट किया नहीं, तो कोई भी जब व्यक्ति गलती कर देता है तो उस गलती को आसानी से मानता नहीं। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप गलती को स्वीकार करो, समाज से माफ़ी मांगो और जो 12 बीघे 7 विश्वा जमीन है वो जो संत गुरु जो गुरु रविदास जयंती समारोह समिति है जो उसकी वैध मालिक है उसको ट्रांसफ़र करो, वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराओ और सरकार इस बात को भूल जाए कि हमको लल्लो चप्पो देके शामोद कर देगी। जब तक हमारा कर्तव्य हमारा काम ये पूरा नहीं होगा हम आंदोलन में रहेंगे। अभी हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है, अभी हमने केवल सांकेतिक धरना शुरू किया है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो लाखों लोग लेके दोबारा दिल्ली में आने में हमें कोई गुरेज नहीं होगा। और इस बार जब दिल्ली में लाखों लोग लेकर आएंगे तो सारी सड़कों पर सैलाब होगा। आगामी क्या योजना रहेगी आपकी, जैसे आपने बताया सैलाब रहेगा, और कब तक लगता है कि सरकार की तरफ से आपने कोई पत्र व्यवहार करा है, नहीं करा है, और करा है तो क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी बताएं सरकार के रवैये के। देखिए, सरकार में हमने देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्टर उनको दिया है, हमने 4-5 लोगों को ये ऑलरेडी चिट्ठी दी है, अपनी डिमांड उनको दी है, हमने उन पर उनको कार्रवाई करनी है। हमारे पास अभी तो कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई कार्रवाई की है। कल हमारे कुछ साथियों की मीटिंग जो DDA के वाइस चेयरमैन है उनसे बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कुछ कम ले लो, कुछ आप करो, कुछ हम करें। हमने कहा जी इस पर कम का सवाल ही नहीं होता, जब हम मालिक हैं उस ज़मीन के, वैध मालिक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, हम क्यों कम लेंगे। DDA को सोचना चाहिए, उसने एक मंदिर की जगह को, उसने एक संत आश्रम की जगह को कैसे उसने फॉरेस्ट में डिक्लेयर किया, ये तो DDA को अपनी गलती माननी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।